मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपके चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत से उसके लघुत्तरी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया था, अब आज हम उसी श्रृंखला के अंतर्गत वनस्पति जगत के कुछ लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसका अध्ययन करेंगे। मैंने इसको जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, और आज हम यहाँ पर जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूट्रिकुलेरिया पौधों की पत्तियां डैश में रूपांतरित हो जाती हैं। हमें पता है कि जब हम कीट भक्षी पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पौधा आता है यूट्रिकुलेरिया, उसकी जो पौधों की पत्तियां हैं वो किस शेप में रूपांतरित हो जाती है, कलश में। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कलश। कलश यानी पिचर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है जिसपे वो कीटों का भक्षण करती है। सेकेंड नंबर देखें, डैश को तालाब का रेशम कहा जाता है। बहुत अच्छे से हमने कर लिया था, इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है। सेकेंड देखें, थर्ड देखें बेटा, सर्पिलाकार हरित लवक डैश शैवाल का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा आपका स्पाइरोगायरा। जब भी किसी का नाम लिखते हैं अपन उसको अंडरलाइन करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फीते के आकार का हरित लवक डैश में पाया जाता है। अगेन इसका आंसर स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डैश अनावृत बीजी पौधे हैं। अनावृत बीजी पौधे कौन से कहलाते हैं, हम पढ़ चुके हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जिम्नोस्पर्म जो है वो अनावृत बीजी पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन, पाइनस में डैश परागण होता है। क्योंकि पाइनस के बारे में अच्छे से मालूम है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इनमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, और इनमें जो परागण होता है वो कैसा होता है, वायु परागण होता है। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट के नर तथा मादा लैंगिक अंग डैश तथा डैश कहलाते हैं। तो हमें पता है कि ब्रायोफाइट के नर लैंगिक जनन अंगों को कुंधानी कहते हैं, और तो यहाँ किसका आंसर आ जाएगा, कुंधानी। तो ब्रायोफाइट के जो नर जनन अंग है उसका नाम कुंधानी, और मानव जनन अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। या तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं, या एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। पहला है, भूरे शैवालों का विशिष्ट वर्ण प्यूकोजेंथिन होता है, इसमें संचित भोजन लैमिनेरिन एवं मैनिटाल के रूप में पाया जाता है। आंसर है सत्य, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन देखें, अगर अगर नामक पॉलीसैकेराइड भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। आंसर असत्य। थर्ड क्वेश्चन देखें, ब्रायोफाइट की बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था पर आश्रित होती है। आंसर सत्य। फोर्थ, ब्रायोफाइट अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। बिल्कुल सही, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम कहते हैं। आंसर सत्य। अब देखते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला, रोडोफाइसिक में फ्लोरिडियन स्टार्च खाद्य के रूप में संचित होता है।
तो मैनिटॉल किस समूह का निश्चित खाद्य पदार्थ है? आंसर है थ्रियोफाइसिन। सेकंड, आशाखित तंतुमय शैवाल जो जल में पाया जाता है इसको तालाब का सिल्क रेशम भी कहते हैं। आंसर, अच्छे से ना आपको मालूम बेटा, स्पाइरोगायरा। अब देखते हैं हम डायोफाइट्स की मुख्य प्रावस्था कौन सी होती है। बहुत अच्छे से मालूम है, गैमेटोफिटिक स्टेज यानी युग्मकोद्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतर पादपों में पादप काय सुविभेदित तथा सुविकसित होता है। जड़े ऐसा अंग है जिनका प्रयोग अवशोषण के लिए किया जाता है। निम्नतर पादपों में जड़ के समान कौन सी रचना है? तो बिल्कुल जड़ जैसी जो रचना है निम्नतर पादपों में, वो राइजॉइडल स्ट्रक्चर पाया जाता उसको कहते हैं मूलाभास। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, विषम बीजाणुता किस पौधे में पाई जाती है? आंसर, सिलेजिनेला। ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें प्रवाल मूल पाई जाती है। आंसर, साइकस। द्विनिषेचन वनस्पति जगत के किस समूह का विशेष लक्षण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म का। अति लघु उत्तरी प्रश्न अब हम चालू कर रहे हैं जो कि 2-3 मार्क्स के रहते हैं। थैलस या सुकाय किसे कहते हैं? थैलस या सुकाय ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जो जड़ तना एवं पत्तियों में डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित नहीं होता, जैसे शैवाल या ब्रायोफाइट्स। सेकंड क्वेश्चन देखें, शैवाल कैसे जीव हैं? शैवाल क्लोरोफिल युक्त संवहन ऊतक रहे भ्रूण रहे सेलुलोज की कोशिका भित्ति युक्त सुकाय सदृश शरीर रचना वाले स्वपोषित जीव हैं। यदि आपने किसी एक शैवाल के स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लिया तो आप उसको यहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। बायोलॉजी में हमको हमेशा कॉन्सेप्चुअल रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में है तो आप आंसर बना सकते हैं। देखेंगे शैवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है। जनरली किसी भी चीज़ को हम जब सजीवों को क्लासिफाई करते हैं तो उनके आधार, उसमें पाए जाने वर्णक है, उनकी प्रकृति है, उनके भोज्य पदार्थ हैं, इसके आधार पर होता है। तो अब हम देखते हैं कि शैवालों का कैसे होता है। आंसर है, शैवालों का वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले वर्णकों अर्थात पिगमेंट्स और संचित भोजन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि उसमें फ्लोरिडियन है या मैनिटॉल है, कौन सा जो संचित भोज्य पदार्थ है वो किस प्रकृति का, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लाल शैवाल में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णकों के नाम लिखिए, इनमें भोजन किस रूप में संचित रहता है। आंसर देखते हैं बच्चों, लाल शैवालों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक हैं कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल, आर फाइकोसाइनिन एवं आर फाइकोएरिथ्रिन। इसमें जो भोजन है वो फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम क्यों कहते हैं। आंसर है, स्पाइरोगायरा के तंतु की ऊपरी सतह किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, जो कि जल को सोखकर वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती है और छूने पर लसलसी व चिकनी प्रतीत होती है, इसलिए इसे तालाब का रेशम कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश शैवालीय वंश अगुणितकीय जीवन प्रदर्शित करते हैं, जीवन चक्र। ऐसे शैवाल का नाम लिखिए जो अगुणितकीय और द्विगुणित बोथ हो। उसका आंसर है एक्टोकार्पस एवं पॉलीसाइफोनिया। सेकंड क्वेश्चन है, द्विगुणितकीय हो तो उसका आंसर है फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा है, पहला हेपेटिक ऑप्सिडा, दूसरा एंथोसेरोटॉप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जननांगों के आधार पर ब्रायोफाइट्स एवं शैवालों में एक अंतर बताइए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेस पर। आंसर, ब्रायोफाइट्स में जननांग बहुकोशिकीय होते हैं, इनके बाहर जैकेट सेल्स व रक्षक आवरण पाया जाता है जो कि बंद होता है, जबकि शैवालों में जननांग जो होते हैं अंडदानी एवं कुंधानी एक कोशिकीय होते हैं और बाहर
बंद या जैकेट सेल्स का आवरण नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहते हैं? एम्फीबियंस प्रकृति है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का जल स्थलचर कहते हैं क्योंकि ये स्थल पर भी रहते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूनेरिया का बीजाणुभित पौधा कितने भागों में विभक्त होता है? एज यू नो, इसका जो बीजाणुभित पौधा होता है वो तीन भागों में विभक्त होता है, फूट, सीटा तथा कैप्सूल। ये तीन भागों में विभक्त होता है, पहला फूट, दूसरा सीटा और तीसरा कैप्सूल भागों में बटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेरिडोफाइट्स के संवहनी ऊतक में किन कोशिकाओं का अभाव होता है? ये ठीक है कि टेरिडोफाइट्स प्लांट से ही वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जाइलम में वाहिकाओं का तथा फ्लोएम में सह कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स का अभाव पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फीचर है, और कई बार इस पर बेस्ड नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोथैलस किसे कहते हैं? अब प्रोथैलस फर्न में बीजाणुओं के अंकुरण से पहले हरी चपटी एवं हृदयाकार संरचना बनती है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। यह आत्मपोषी एवं उभयलिंगी होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर। मुझे आशा है आप नोटबुक में इनको बहुत अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से याद करते रहेंगे। और हाँ, एक बार याद करने के बाद काम पूरा नहीं होता, इसलिए आप इसको प्रॉपर रिवाइज भी करते रहें, वीडियोज़ को भी बहुत अच्छे से देखें, साथ ही साथ इन PDF को भी रिवाइज करते रहें। थैंक यू बच्चों।